किसान वो इंजन है जो राजनीति को भी दौड़ता है और अर्थव्यवस्था को भी दौड़ता है। इस इंजन के बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस इंजन को समझ लिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि 2022 में कहां हम 10 साल पहले दुनिया के 5 कमजोर देशों में माने जाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 10 साल पहले इतनी चरमरा नहीं थी कि अंग्रेजी में लोग बोलने लगे फजाइल काय ब्राजील साउथ अफ्रीका टर्की इंडोनेशिया था। और कहां 2022 में हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति बने। अखाड़े में मजबूत पैमाना होकर पसारने का आनंद दूसरा है और घोड़ा मिले सवार के साथ निकले तो आनंद भी दूसरा है। हम पांच में पैमान पर ही नहीं आए, हमने उन अंग्रेजों को पसाड़ा जिन्होंने सदन कर लिया। इसी दशक के अंत तक हम तीसरी महाशक्ति हैं। देश का हर बच्चा हर युवक और हर बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जहां सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, जो भी सोच रहे हैं वो संभव है। कितनी बड़ी बात हो वो हम बात कर पाते हैं। दुनिया में भारत का नाम बहुत बड़ा है, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां उसके लिए कह रही है कि भारत ने डिजिटल, आपको सब समझते हैं डिजिटल, उसने 6 साल में इतना काम किया जो 47 साल में नहीं हो सकता था। यह आपकी वजह से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी बदौलत, आपके पसीने की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से मैं आज भारत का राष्ट्रपति हूं। इसमें आप लोगों के अलावा और महापुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं अच्छी बड़ी वकालत कर रहा था और बंगाल मेरी अच्छी चल रही थी, उसी समय चौधरी देवीलाल जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के हमारे वरिष्ठ नेता कई बार मुख्यमंत्री थे, देश के उपराष्ट्रपति थे माननीय प्रदेश से प्रवास, दोनों ने मुझे चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतार क्या किया चौधरी देवीलाल जी के सामने मैंने मेरा नामांकन पत्र भरा और मेरे चुनाव की कमान माननीय भरत सिंह जी। मैं इस धरती पर इससे ज्यादा क्या मान सकता हूं कि जहां माननीय भरत सिंह जी पहुंचे उस स्थान पर मैं आप बैठे उनका आशीर्वाद, चौधरी देवीलाल जी का आशीर्वाद, ये सब मिले पर जाकर स्थिति हुई। इन लोगों की भावना देखते हुए, महापुरुषों की भावना देखते हुए आप सदा मेरे दिलों की माफ करेंगे। मैं आपका शुक्र सवार रहूंगा, आपके हर काम को करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा।